अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन अंडा कटलेट, जो बनेगा मेरी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते रेसिपी, देखते कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मेरे पास ये है आधा किलो के करीब चिकन। ये चिकन विद बोन्स है, आप चाहे तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मसालों में मेरे पास है ये है 1.5 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद मेरे पास है 250 ग्राम्स आलू, और फिर हमारे पास है ये है 3 अंडे, ये बॉईल किए हुए हैं। ये है 4 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक सा कट किया है, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा कोथमीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुकर ले लिया है, सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करूंगी, पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद जाएगा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद जाएगा नमक। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आलू। जो आलू था वो ऑलरेडी मैंने वॉश करके रखा था, तो ऐसे कट करके इसे डाल देंगे ताकि जो चिकन हमारा गले तक, हमारे आलू भी जो है वो गल जाएंगे, तो हमें अलग से उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और अभी प्रेशर कुकर को, इसमें थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, मैंने आधा ग्लास डाला था, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे गैस पे रखेंगे। पहले तो मैं लिड लगा देती हूँ। अब मैं कर देती हूँ गैस की फ्लेम को ऑन और उस पर रख देती हूँ। हमें इसे कम से कम 4 सीटी लेनी है, 4 सीटी में ये अच्छे से गल जाएगा चिकन, फिर उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो देखिए, इसका मैंने 4 सीटी लेके प्रेशर निकाल लिया है, अब ये एकदम अच्छे से गल चुकी है चिकन। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये मैंने प्लेट ले ली है, अभी हम इसमें इसको निकाल लेते हैं, फिर इसे ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद जो आलू की स्किन है वो निकाल लेंगे और जो चिकन बोन में है उसकी बोन अलग कर लेंगे चिकन से। ये पूरा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है चिकन के साथ। अब देख सकते हैं कि चिकन भी अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि देखिए ये अपने आप ही इसके ऐसे रेशे निकल रहे हैं। तब इसे ठंडा होने देते हैं हम। तो देखिए, जो चिकन है वो मैंने बोन से अलग कर लिया है, और जो आलू थे उसका जो स्किन था वो भी मैंने निकाल लिया है। अब इसको हम स्मैश करेंगे आलू को चिकन में, इसको अच्छे से सबको स्मैश करना है। तो ये जो हमारी चिकन की बाइंडिंग होगी वो इससे होगी। आलू मैंने इसमें स्मैश कर लिए, अब मैं इसके बाद इसमें ऐड करूंगी धनिया, पुदीने के पत्ते, प्याज, हरी मिर्चें, लगभग ये सब मुझे ऐड करना है इसमें। इस स्टेज पे आपको अगर नमक कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, और मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते, जो हरी मिर्चें हैं आप उसमें, आप जितनी मैंने बताई उतनी मत ऐड कीजिए, आप थोड़ा कम कर दीजिए उसको। अब मैं करूँगी इसे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने से पहले मैं इसमें
जो अंडे हैं वो भी कट करके डाल दूंगी, बारीक बारीक से कट करने हैं। ऐसे ही हमको एकदम रफली उसको कट कर देना है, फिर जब हम मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब ये अंडे जो है मैंने इसमें कट कर लिए, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले मैं चम्मच की हेल्प लूँगी, बाद में मैं हाथों से इसे मिक्स करूँगी। अब मैं अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करती हूँ। अच्छे से मुझे मिक्स करना है ताकि जो इसकी बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। अब हम इसके कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। कटलेट का साइज जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना बड़ा छोटा जो जैसा आपको चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इतना रखूंगी मीडियम साइज। देखिए मैं इतना साइज रखूंगी, आप अपने हिसाब से रखिएगा। एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। पहले मैं इसे ऐसे बॉल की तरह राउंड कर लूंगी, उसके बाद में मैं हल्का सा प्रेस करूंगी, फिर उसको ऐसे उसकी साइड को मैं ऐसे अपने हाथों की मदद से रोल करूंगी। तो देखिए मेरे कटलेट जो है वो मैंने बाइंड करके रेडी कर दिए है। ये टोटल 20 कटलेट बने हैं हाफ के जी चिकन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फ्राई करना। चलिए अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने बनाकर रख लिया है, अब इसमें मैं फेंटूंगी एक अंडा। तो अब इसमें अंडा फेंटते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, अब इसको फेंटते हैं। अच्छे से फेंटना है हमें, बिल्कुल उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। तो अंडा मैंने अच्छे से फेंट लिया है, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और उस पर मैंने एक पैन भी रख दिया है। अब उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। हमको इसे एकदम शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, तो इतना तेल काफी होगा। तेल को अब गरम होने देते हैं, तेल गरम हो रहा है। इसके बाद हम इस अंडे में कटलेट को डिप करेंगे और फिर हम इसमें एक एक करके ऐसे डालते जाएंगे। फिर से मैं एक डिप करूंगी, अच्छे से हमें इसे डिप करना है अंडे में। इसके बाद तो ऐसे ही मैं सारे इसमें ऐड करते जाऊंगी। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए अच्छे से एक तरफ से गोल्डन हो चुका है, तो ऐसे ही हम सबको पलटा देंगे। तो देखिए जो कटलेट है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। ये सब फ्राई हो चुके हैं, तो मैं एक एक करके सबको निकाल लेती हूँ बाहर। तो देखिए हमारा चिकन अंडा कटलेट बनकर रेडी है। आप भी इसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।